इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुडची बेलगाम शहर के करीब का एक गांव जहां पर अकलियती माशरे की तादाद कसीर है। वैसे तो गांव की आमदनी भी काफ़ी है। कृष्णा नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत गांव इसकी पहचान यहां की माँ साहेब दरगाह है। दूर दराज से लोग यहां अकीदत से आते हैं। यहां के लोग काफ़ी मेल मिलाप मोहब्बत से रहते हैं। इत्तफाक से यहां जाना हुआ तो कुडची गांव के तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। नई वक्फ बोर्ड कमेटी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। नई मदरसा की इमारत, नई पानी की टंकी और भी दिगर कामों को बखूबी अंजाम दिया है। कुडची गांव की नई कमेटी के कामों पर आइए एक रिपोर्ट। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है। पिछले 200 साल से कुडची में औरतों का मकतब, बच्चियों का, लड़कियों का मकतब चलाया जा रहा था। दादा मखदूम जुनेद रहमतुल्लाह लेके ग्रेड से, जिसे लाद कहा जाता है कुडची के अंदर। लेकिन हाल ही में कुडची दरगाह स्टेट कुडची की तरफ से मरहूम कयूम पटेल साहब और बाबा जान अलियास मखदूम इस्माइल मखदूम साहब, इनकी मौजूदगी में और जो गन्ना उगाया गया था और जो फसल के पैसे आए थे, उस पैसे से हमारे चेयरमैन साहब गफूर गीवाले साहब और हमारे वफ के जो ऑफिसर हैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के, शबीर भाई जमादार साहब और पूरी वफ कमेटी बेलगाम डिस्ट्रिक्ट की और कुडची की वफ कमेटी, उन पैसों से एक ऐसा काम करके साबित कर रहे हैं जिसका सिला जो है कब्र में मिलने वाला है। और ये अल्लाह की किताब का, इल्म का मकतब बनाया गया है। और इस मकतब की आज रहबरी और अपनी सलाह और इसकी हिम्मत अफजाई के लिए आज हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट वफ ऑफिसर शबीर भाई यहाँ पर आए हुए हैं। हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और जितने भी कुर्ची वाले हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जो भी वफ के मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, इन सब की दुआओं से वफ एक अच्छे काम की आगाज़ कर रहा है। तो सबसे पहले अल्लाह की किताब का, कुरान शरीफ का काम शुरू करना है। इस नीयत से इस मकतब के काम को शुरू किया गया है। और जो पुराना मकतब था, बारिश की वजह से पूरा पानी अंदर आता था और बच्चियाँ वैसे ही गीली ज़मीन बैठते थे और वही बच्चियां जो रेती आती थी, जो मिट्टी आती थी, वो निकाल के वहां पर अपना मतलब कलाम शरीफ की जो सीखने की जो प्रथा है उसको चलाते थे। बाद में हमारे चेयरमैन साहब और वफ ऑफिसर और एडवाइजर कमेटी की डिस्कशन और गांव के कुछ बुजुर्ग, उनकी सलाह से इस नतीजे पे आए कि नया मकतब बनाया जाए। और इस नए मकतब में 11 लाख रुपए की लागत लगी है। इस 11 लाख रुपए में एक वजू खाना भी है और ऊपर भी एक शेड बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चे नीचे पढ़ेंगे, कुछ बच्चे ऊपर पढ़ेंगे। और वहाँ उतना कोशिश करके पुराने मकतब को बंद करके, उसको डिमोलिश करके, इंशाल्लाह इस बिल्डिंग को और बढ़ाया जाएगा। और इसी तरह इन बुज़ुर्गों की और इन गरीबों की दुआ अगर साथ में हो, और ऐसे जो कौम के लिए लड़ने वाले लोग, गफूर घी वाले साहब जैसे लोग, शबीर भाई जैसे लोग और हमारे चेयरमैन हुसैन भाई चमन शेख जैसे लोग, महदीन साहब भाटे जैसे लोग, खलील नसरदी हैं, जो इस ज़मीन के लिए 72 लोग जाके अपने कुर्बानी दे के लड़ के जद्दोजहद करके, जो लोग टेनेंट थे, उनसे दुआ है कि आप ऐसी दुआ करते रहे, हमारी हिम्मत बढ़ाते रहे। अल्लाह करे कि इस काम के लिए लोग राज़ी ना हो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो। इस नीयत से इस काम को कर रहे हैं। और इसमें भाई अपने पर्सनल जो भी इंटेंशन है बाजू में रखे, अपने ईगो बाजू में रखे, हमारे से कुछ गलती हुई तो माफ़ करें, अपने ईगो को रख के अपने कौम के डेवलपमेंट के लिए, अपने कौम के बढ़ावे के लिए। हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे बच्चियाँ गरीब हैं, हमारे बच्चे गरीब हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, इल्म के लिए इदारे नहीं हैं। तो इस इदारे से कोशिश करें कि इस मुसलमान उम्मत का कुछ भला हो और उम्मत मुसलमान इससे कुछ डेवलप करे। और जो गरीब बच्चों के घरों में चिराग नहीं है, वो बच्चे चिराग बन के यहाँ से रोशनी लेके उन घरों को रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातहू। आज माँ साहब कुडची में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से एक बंजर ज़मीन थी जिस पर फसल उगाकर 530 एकड़ ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। आज यहाँ पर चंद अरसे में जो कमेटी यहाँ पर काम कर रही है, एक पुराना मकतब था जिसकी दीवारें टूट कर गिर रही थी, एक नया मकतब तामीर किया गया है।
हम दुआ करते हैं कि ये मकतब यूँ चलता रहे और इस इदारे से एक बड़े टेक्निकल इदारे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, और इस गांव के गरीबों की मेहनत जो लगी है इसे इल्म में तब्दील हो जाए। आज यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चल रहा है और इलेक्शन प्रोसेस के लिए कमेटी बनाने के लिए जो है 25 तारीख तक जो है आप जो है इसमें मेंबरशिप बनाए जा रहे हैं। आप 25 तारीख से पहले पहले जो है आप गांव के जो भी लोग हैं मेंबर बनना चाहते हैं यहां पर आकर इस कमेटी के ऑफिस में आकर मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। और इस मेंबरशिप से ये फ़ायदा है कि आप जिन कमेटी के लोग काम कर रहे हैं आप इनके साथ खांदा भा खांदा काम करके जो है इंशाल्लाह कौम मिल्लत नाम रोशन कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि यहाँ के जो गौर गरीब अफराद हैं इससे जो मुनाफा फ़ायदा होगा जो वक्फ से, इसका यह है कि 30% जो है गरीबों को खर्च किया जाए, एजुकेशन के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, तालीमी इदारों के लिए हो, शादी ब्याह के लिए हो, हर जो है इस इदारे से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब तक इंशाल्लाह फ़ायदा जो हुआ है इससे आगे इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं दुआ करता हूँ कि इस कमेटी जो है दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता जाए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत और ताकत अता फरमाए, इस कमेटी को जो है काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हमारे इस कुर्ची दरगाह कमेटी वक्फ कमेटी की तरफ से जो मदरसा तालीम कुरान के नाम से जो मदरसा चलता है वो कम से कम 40 साल से चल रहा है और मैं यहाँ से 34 साल से काम कर रहा हूँ और 34 साल से काम कर रहा हूँ तो 34 साल तक जो है और कम से कम मेरे ख्याल से 32 साल तक या 31 साल तक मुझे 2000 रुपये पेमेंट से लोगों ने देते रहे। उसके बाद में ये कमेटी आने के बाद में मुझे 5000 रुपये पगार किए। वो जो है ये कमेटी जो है बराबर चला रही है और मदरसे की जो है बुनियाद बिल्कुल गिर गई है। अब ये नए मदरसे की बुनियाद रखकर जो है उन्होंने इसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको और इस कमेटी में कामयाबी नसीब फरमाए और काम करने की भी तौफीक अता फरमाए सही ढंग से। और मैं इन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ और हमारे मदरसे के अंदर जो दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, इंशाल्लाह ताला ये कमेटी सारी दूर करने की कोशिश भी कर रही है, इंशाल्लाह वो कोशिश भी करेगी। और हमारे मदरसे के अंदर बहुत से 250 के करीब बच्चे हैं पढ़ने आते हैं। अभी फिल वक्त अगर आप थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर तो बच्चों की तादाद आपको नज़र आएगी। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मदरसे को ज़्यादा से ज़्यादा उसको तरक्की कराने के लिए कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। चलो रुको जनाब, आपका पेमेंट कितने दिन से रुका हुआ था और ये कमेटी आने के बाद आपका पेमेंट अकाउंट में डाली, आपका पेमेंट आपको मिला या नहीं? ये पेमेंट जो है मेरा 2 साल से रुका हुआ था, 2018 से अक्टूबर से अटका हुआ था हमारा जो है। 2 साल के बाद में हमारे पेमेंट किए 1,15,000 रुपये हमको पहुंच गए। उसके बाद में दूसरा पेमेंट किए 15,000 रुपये हमको पहुंच गए और अभी तक जो है अभी ये चल रहे सो महीने के और अगले महीने की इंशाल्लाह ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं देने की भी कोशिश करें। कितने उस्ताद हैं? 3 उस्ताद हैं हम लोग। और इमामा पेमेंट कितने साल से रुका था, कब से दिए हम लोग, पूरा अकाउंट में पहुँचा या नहीं पहुँचा? सबका पूरा अकाउंट में पूरा, इमामों का भी और मदारिस में जो भी जो तलबा उस काम करेंगे उनके सबका पेमेंट पहुँच गया है। सबके पेमेंट हो चुके हैं और सारे इमामों के भी पेमेंट हो चुके हैं, चेयरमैन साहब के कहने पर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज कुर्ची दरगाह स्टेट कमेटी की जानिब से चांदबी दरगाह और मदरसा के यहाँ पर एक वाटर टैंक की बहुत ज़रूरत थी, जो 20,550 लीटर की वाटर टैंक ये कमेटी वालों ने यहाँ पर बनाई है, वफ कमेटी वालों ने यहाँ पर बनाई है और इससे जो है नमाजियों के लिए सहूलत और बच्चों के मदरसे के लिए पानी का इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करेंगे किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो लोग यहाँ पर खिदमत किए हैं उनका नाम लेना भी बहुत ज़रूरी है, कयूम पटाया साहब हो, बीएम रिसालदार साहब हो और इसी तरीके से हमारे बाबा जान इस्माइल मखदूम साहब हो, जितने भी यहाँ पर काम किए हैं अल्लाह उन्हें जजाए खैर अता फरमाए। इसके साथ साथ हमारे शहर के साबिक एमएलए अलहाज फरोज शेख साहब ने और आसिफ राजू शेख साहब ने, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी मेहनतें और कोशिशें की हैं और सब तमाम मिलकर जो है इस कुर्ची इलाके में जो है और मेहनत करने की सख्त ज़रूरत है और आप भी जो है इसी तरीके से काम करते जाए, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत अता फरमाए। रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में वजू खाने के लिए और मदरसे के बच्चों के लिए पीने के पानी के इंतज़ाम के लिए यहाँ पर 20,550 की लागत से कुर्ची दरगाह स्टेट कुर्ची वक्फ बोर्ड की तरफ से
कमेटी की तरफ से टैंक बनाया गया है। इस टैंक की रहबरी हमारे बेलगाम जिले के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन गफूर केवला साहब और हमारे वफ ऑफिसर शबीर जमादार साहब और स्टाफ सालिक भाई और बाकी पूरे जो भी हजरात हैं वो, और इसके इस कमेटी के ऊपर जो सरपरस्त है, जो हाथ है, वो फिरोज शेख साहब और राजीव शेख साहब का है। और इस कमेटी को बनाने में जो मदद किए हैं हमारे स्कैनिंग कमेटी के चेयरमैन अनवर बादशाह साहब और जब्बार साहब और कमरुल इस्लाम के अहलिया मैडम कनीज फातिमा मैडम और तमाम वफ़ के जितने भी लोग हैं, सब मिलके इस अच्छे काम की शुरुआत के लिए हमें यहाँ पर अपॉइंट करके बिठाए हैं। और हम गरीबों के और मजदूरों के और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को ख्याल में रखते हुए इस काम को आगे लेके जा रहे हैं। दुआ करो कि इंशाल्लाह इससे भी बेहतर काम होते रहेंगे और अल्लाह चाहा तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज और बहुत सारे ऐसे उम्दे काम